नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंडियन एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने ना सिर्फ हिंदी टेलीविजन में अपना जलवा बिखेरा है बल्कि हिंदी फिल्मों में भी नजर आई हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंकिता लोखंडे जैन के सभी सीरियल्स के बारे में। अंकिता ने साल 2007 में एक शो में हिस्सा लिया था जिसका नाम था इंडियाज बेस्ट सिनेस्टार्स की खोज। साल 2009 से 2014 के बीच इन्होंने पवित्र रिश्ता जैसे सीरियल में अर्चना करंजकर देशमुख का किरदार निभाया था और इसी सीरियल में साल 2013 से 2014 में इन्होंने अंकिता देशमुख कर्मकर का भी किरदार निभाया था। साल 2011 में इन्होंने एक मशहूर डांस शो झलक दिखला जा 4 में भी हिस्सा लिया था जिसमें यह 5th पोजीशन पर आई थी और साल 2011 में ही इन्होंने कॉमेडी सर्कस का नया दौर में भी हिस्सा लिया था। साल 2013 में इन्होंने सीरियल एक थी नायिका में प्रज्ञा का किरदार निभाया था, तो वहीं साल 2022 में इन्होंने एक शो स्मार्ट जोड़ी में हिस्सा लिया था जिसमें यह विनर रही थी। दोस्तों, हिंदी टेलीविजन के साथ साथ अंकिता लोखंडे ने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। जैसे साल 2019 में इन्होंने मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी फिल्म में झलकारी बाई का किरदार निभाया था और साल 2020 में इन्होंने फिल्म बागी 3 में रुचि नंदन चतुर्वेदी का भी किरदार निभाया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि इनका सबसे फेमस शो पवित्र रिश्ता रहा है जिसको लोगों के द्वारा काफी पसंद किया गया था। आपको अंकिता लोखंडे कौन से किरदार में सबसे ज्यादा पसंद आई हमें कमेंट में जरूर बताएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए अभी सेलिब्रिटी टीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें।